यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे फील, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। और गाइस अभी मैं हूँ अपने गांव में, अपने गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर मछली मारने हम आए हैं, मछली पकड़ने आए हैं। और अभी यहाँ पे काफ़ी तगड़ी हवा चल रही है, इसलिए आवाज़ थोड़ी साफ़ नहीं आ रही होगी, तो उसको मैनेज कर लेना। गाइस अभी हम आए हैं बाइक से 5-6 लोग मछली मारने, और हमारे पास फिशिंग रॉड है, यानी यहाँ पे डगन बोलते हैं फिशिंग रॉड को, वो अपने देसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। बाकी चलते हैं अब सीधा नदी के साइड। गाइस ये रही अपनी गैंग, ये अपनी डगन। कितनी डगन लाए हो? 8 डगन है। अब बहुत तगड़ी स्वाब की बड़ी बड़ी मछलियाँ आई हैं। सामने वाले भैया ने मारी अभी बड़ी मछली। इलाका भाई कितना बड़ा है यार, देख लो हर जगह मतलब ताल है, मछली किधर भी मार सकते हो। मैं दो चार लाया हूँ। अभी तैयारी हो रही है मछली मारने की। गाइस अभी आ जाओ थोड़ा कुछ खाने पीने वाला लेने के लिए, क्योंकि लगातार 2-3 घंटा बैठ कर मछली मारेंगे ना, तभी हमें मिलेगा करीब आधा किलो या फिर 1 किलो तक। अगर ज़्यादा अच्छी किस्मत होगी तो 1 किलो तक मिल जाएगा। बाकी कई वेराइटीज की मछली उस तालाब में है। बाकी पीछे देखो, इधर भी तालाब है, और हर जगह मतलब तालाब ही तालाब है। अब देखते हैं कितनी मछली आती है, और जो जो मछली आएगी सारी दिखाऊंगा मैं। ये इलाका देखो कितना बड़ा है भाई साहब, जहाँ तक नज़रें जाएंगे वहाँ तक सिर्फ तालाब ही तालाब है। और वो उस साइड, वो वहाँ पे हम लोग फिशिंग कर रहे हैं, वो वहाँ पे ये देखो चारों तरफ तालाब ही तालाब, पुल के इस साइड भी, और काफ़ी बड़ी बड़ी मछली मतलब इधर हम मार सकते हैं। टोटल 5 लोग आए हैं और 8 डगन है हमारे पास, तो काफ़ी मछली हम लोग मार सकते हैं। और चलते हैं फट से अपना शुरू करते हैं हंटिंग। ये सो रहा है। हाँ। और ये व्हाइट वाली कौन सी है? ये कौन हुआ व्हाइट वाली? पतरी। बड़ी गाइस इधर तो काफ़ी मछली पकड़ ली हमने, मतलब गिनती के 6 मछली पकड़ी और अब नहीं पकड़ रहे, अब नहीं मिल रही। अब चल रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, इससे बड़ा ताल पे, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मछली होती हैं। दिखाता हूँ गाइस इधर अभी हमने करीब 6 मछलियाँ पकड़ी हैं, ज़्यादा बड़ी बनी नहीं, छोटी छोटी है। तो अरे यार ये बोतल वगैरह निकाल दो जरा, ये देखो गाइस, हाँ ये देखो गाइस छोटी छोटी मछली हैं। उस दूसरी वाली लोकेशन पे काफ़ी बड़ी बड़ी मछली हैं, तो वहाँ चलते हैं फट से। पैकअप पैकअप गाइस पैकअप। A few moments later. गाइज वो देखो वहाँ पे बाइक खड़ी करी है, वहाँ से पैदल चल के आए, कि यहाँ बीच में ताल है ना, पूरा आधा पैर घुस गया था अंदर। बाकी जोक से बच गए यार, जोक से बहुत डर लगता है मेरे को, चिपक जाते ना पैर में तो खून चूस लेते पूरा। अब इधर वो देखो, वो वहाँ भैंस वगैरह दिख रही है, उस साइड जा रहे हैं हम लोग। लेट्स गो, देखते क्या सीन होता है। सेकंड लोकेशन देखो कितनी गजब दिख रही है भाई साहब, और शाम का टाइम हो रहा है तो अलग ही वाइब आ रही है। देख रहे हो हर तरफ मैदान ही मैदान है, और हर तरफ तालाब ही तालाब है भाई साहब, पूरा खुला एकदम। ये देखो क्या मस्त लोकेशन है, हमारी बाइक वो वहाँ खड़ी है बहुत दूर। चलो भाई चलो चिल्लर पार्टी। ये अपनी नेक्स्ट लोकेशन, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मछली मिलती हैं। अब देखते हैं हम चेक करके कि हमारे पास कितनी बड़ी आती है। देखो लंगोड़ी बंदर। A few moments later. तो गाइस सेकंड लोकेशन पे अपने को कुछ नहीं मिला, बस एक छोटी सी मछली मिली है, कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा जा रहे हैं पहली वाली लोकेशन पे, जहाँ पे हमने 6-7 मछली मारी थी, वहीं चल रहे हैं। वहीं पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो सही रहेगा, फिर उधर से सीधा अपना घर चलते हैं। फिर गाइस मौसम भी देख लो कैसा हो रहा है, सूरज ढल रहा है, 6:30 बज रहे हैं अभी, और देख लो कैसा मौसम माहौल है इधर।
अभी इधर पैकअप चल रहा है और आई इस मार्केट 6-7 महीने हो, 7-8 मछलियां हैं, 7 मछलियां हैं छोटी छोटी और 3 बॉटल है। चलो भाई चप्पल उतार दिया, दोबारा उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। और मेरे को जोक के लिए डर लग रहा है भाई साहब, क्योंकि मैं जोक के चक्कर में ना किसी भी नदी में नहीं कूदता। ये देखो भाई पूरा एकदम गहरा हो रखा है। अरे यार डर लग रहा है मेरे को बहुत, जल्दी चल भाई। अरे यार ये देखो ये लोग, इन लोग का तो नॉर्मल है लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है। बैठ बे साइड जल्दी। अरे भाई हटा बे, जल्दी हट बे साइड हट, दिमाग खराब है। देख ली भैया जो को कनाए लाग है। चलो फाइनली निकल गए। The next day. So guys, आज है दूसरा दिन। कल पहली लोकेशन पे गए थे, वहाँ पे करीब 2 मिनट तक रुके थे, उसके बाद हम वापस आ गए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और मछली भी हमें कम मिली थी, तो हम फिर वापस आ गए थे। जितना हमने सोचा था उतना नहीं हो पाया था, लेकिन थोड़ा बहुत मजा आया हमें तो। वैसे तो काफ़ी वैरायटीज की मछली उसमें होती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 वैरायटी की मिली थी, एक गिरई थी और एक थी सहरी, बस उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिली थी। क्योंकि अभी थोड़ा मतलब ठंडा हो गरम गरम सा माहौल चल रहा है ना इस चक्कर में। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो जल्दी से। फिर मिलते एकदम मजेदार व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।